माइक 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 ये कैसे लगाना है हमें यहाँ अंदर से लगा के यहाँ पर वो All right, so आप नहीं दिख रहे? Sometimes look at me, look at camera, anywhere. So congratulations. आप बताइए कि क्या फील करती हैं आप? Second runner up हैं and क्या फीलिंग होती है आपके लिए क्राउन जीतना? बहुत ही अच्छी फीलिंग है. आई मीन क्राउन आपके सर पे होना मिस इंडिया का कितनी बड़ी बात है. हर लड़की बनना चाहती है, हर लड़की पहुंचना चाहती है इस प्लेटफॉर्म पे, और अब इस चीज़ को जीता है और कमाया है एक तरीके से मेहनत करके. तो अंदर से इतना शुक्रिया निकल के आ रहा है हर एक इंसान के लिए, जो भी इंसान मेरी ज़िंदगी में पार्ट था इस क्राउन की जर्नी को लेकर के. मैं बहुत ही उत्सुक महसूस कर रही हूँ और बहुत ही खुश हूँ, और आई हैव मेड माई पेरेंट्स प्राउड. तो मेरे पेरेंट्स आए थे फिनाले देखने के लिए बॉम्बे, स्पेशली फ्लाइट्स लेकर के वो लोग आए यहाँ पर रुके. मेरी आंखें उन्हीं को ढूंढ रही थी कि कहाँ पे हैं, कहाँ पे. एक होता है ना, एक बच्चा जब परफॉर्म कर रहा होता है स्टेज पे तो देख रहा होता है किधर है मम्मी पापा, तो मैं उन लोगों को देख रही थी, मेरी आंखें ढूंढ रही थी. बहुत टाइम तक नहीं देखे, तो मैं पोज वगैरह कर रही थी सब लोगों के साथ जब मेरे सर पर क्राउन आया. बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, हमारे जजेस और कम्युनिटी. फिर फाइनली देखे मम्मी डैडी ताऊजी ताईजी भाई, इतने सारे लोग आए थे. मतलब संयुक्त परिवार में रही हूँ मैं ज़्यादा वक्त, इस वजह से तो सब लोग मुझे दिखे और मेरी आंखों में आंसू आ गए उसी वक्त. जब तक की खुशी थी, पर ऐसा होता है ना, घर वालों को देख करके आंसू आ जाता है, पूरी अपनी पूरी जर्नी आ जाती है, कितनी मेहनत करी हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए. तो बस ऐसे ही था, इमोशनल हो गया थोड़ा सा. बिल्कुल हाँ जी हाँ जी हाँ जी के साथ में आपने पार्टिसिपेट किया, तब आपने सोचा था कि एक दिन आप ये क्राउन आपके सिर पर आपके होगा, ऐसा कुछ फीलिंग थी आपके? सर फीलिंग मैं इस चीज़ में बहुत मानती हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ को सोचते नहीं हो, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में खुद विश्वास नहीं कर सकते, तब तक वो आपकी हो नहीं सकती. तो मैं पूरा विश्वास के साथ आई थी और मेरा पूरा ध्यान वही था कि मुझे क्राउन चाहिए, फोकस वही था. और जर्नी मुश्किल होती है, मतलब इसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा कोई किसी लड़की से कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है. हर लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर मैं जेन्युइन इंसान के लेवल पे आकर के बोलूँ, हर एक लड़की बहुत अच्छी थी. हर एक लड़की की अपनी अपनी अलग कहानी थी, सब अलग अलग डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे. कभी कभी किस्मत और आप क्या परफॉर्म करते हैं वो चीज़ और रिजल्ट और सब अलग होता है, बट कभी कॉम्पिटिशन की भावना ही नहीं आएगी. हर एक लड़की से मैंने बहुत सीखा वहाँ पर आने के बाद, और एक दूसरे को लेकर के बहुत सपोर्टिव थे हम लोग, तो ये हमारे बैच की बहुत ही अच्छी बात थी. हर लड़की मतलब जीतने के बाद दूसरी लड़की की जीत के लिए ताली बजा रही थी, उन सब ने आकर के हमें हक करा गले लगाया, तो वो एक फीलिंग थी वो बहुत अच्छी थी कि चलो ठीक है, हमने दिल भी जीते हैं साथ में ग्राउंड के साथ साथ, और अपनी जो हमारे साथ थी उन सबका प्यार भी पाया है. तो आपने ये बचपन से सोचा था कि इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर आपने वो एज क्या थी जब आपने डिसाइड किया कि मुझे मिस इंडिया के लिए ये करना है? एंड आप बताइए. मेरी मम्मी को तो बेटी चाहिए थी क्योंकि उन्हें मिस इंडिया बनाना था. तो जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब से शायद मेरे से जीन्स के थ्रू आ गया होगा कि मिस इंडिया बनना है. तो 4 साल 5 साल जब बच्चे बोलते हैं ना, व्हाट डू आई वांट टू बिकम,
नर्सरी के जी में पूछते हैं, तभी पूछा था मम्मा व्हाट इज दिस, मम्मा सेड मिस इंडिया, बेटा मिस इंडिया बनना, तो तब से ही था, बचपन से था कि मिस इंडिया में मुझे आना है, बड़ा नाम कमाना है, कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में जहाँ लोग मुझे देखें, मेरी बात सुने। तो बचपन की जर्नी है, बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए, 7 साल 5 साल तैयारी भी करी है, तब जा कर के इस राष्ट्रीय मंच पे मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। ऐसे तो नहीं, पर मम्मी की आंखों में खुद में आंसू थे, स्माइल कर रही थी, आंसू होते हैं, बहुत इमोशनल इंसान, थोड़े से भावुक इंसान है। प्राउड ऑफ यू बेटा, मुझे तुम पे बहुत गर्व है, मेरे बच्चे ने क्राउन के साथ साथ सबका दिल भी जीत लिया। बिल्कुल, मतलब वो लाइन सुन के ना फेस पे स्माइल आ गई थी मेरे, मेरे हंसी नहीं रुक रही थी, मतलब कि चलो ठीक है, मुझे बोला दिल भी जीत लिया और प्राउड ऑफ यू बेटा, और क्या सुनना चाहते हो अपने पेरेंट्स से, और क्या ही दे सकते हो आप, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ कराया, आप उनको बस बदले में रिस्पेक्ट इज्जत ही दिलवा सकते हो। सो आई फेल्ट कि काफ़ी हद तक अचीव कर लिया हमने वो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसके बाद अब मिस वर्ल्ड के पार्टिसिपेट होने वाले लोग, तो आप पार्टिसिपेट करेंगे? सर जो हमारे साथ एक और रही हैं, फर्स्ट जो आई हैं सिनी शेट्टी, वो जाएंगी मिस वर्ल्ड के लिए, और मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छी हैं एंड आई होप हमारे देश का नाम और अपने देश को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके आए उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। सो इस ये क्राउन के बाद ये जो रास्ता कहीं ना कहीं जाता है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, चाहे वो मिस यूनिवर्स हमारे इंडिया में बन के आती है, मिस इंडिया यहाँ से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ उनका कहीं ना कहीं रुख होता है, तो हम आपको क्या देखेंगे कि फिल्मी दुनिया में हम आपको देखेंगे कदम रखते हुए, नेक्स्ट क्या गोल होगा आपका? सर क्या होता है ना कि जब कोई इतने नाम कमा करके आता है तो कोई भी मीडिया इंडस्ट्री जिसको चाहिए होता है नाम, वो उस इंसान को अप्रोच करते हैं, तो उस तरीके से होता है। अभी मैंने कमाया, पर मैं मिस इंडिया में कभी एक्टिंग के लिए नहीं आई थी, मैं मिस इंडिया में अपने सपने के लिए आई थी, तब तो मुझे पता भी नहीं था होता क्या है, इससे आपको क्या क्या मिलता है क्या नहीं, ये मेरा सपना था। और मैं जिस तरीके की इंसान हूँ, मुझे चीज़ों के बारे में बोलना पसंद है, सोशली अवेयर होना बहुत पसंद है, एक लीडरशिप रोल में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं बहुत मानती हूँ, तो उस चीज़ों के लिए आई थी, अपना एक सोशल साइड उस चीज़ को कल्टीवेट करने के लिए। रही बात एक्टिंग की और इन सब चीज़ों की, मैं बचपन से थिएटर कर रही हूँ, बट इस यस मतलब मैं बचपन से मैं ट्रेन भी हूँ एक्टर, पर मेरा मिस इंडिया में आने का वो कुछ वो नहीं था कि इसका और इसका कोई लेना देना है। आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको मिस इंडिया की ज़रूरत नहीं है, आज कल ऑडिशन की दुनिया ऑनलाइन हो गई है, आजकल वेब है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये प्लेटफॉर्म दे देते हैं। अगर आपको एक्टर भी बनना है तो आपको अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए, और उसके लिए कई तरीके हैं। आप मिस इंडिया का क्यों प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, वो मुझे इसलिए चूज़ करना था क्योंकि मुझे अपनी ये जो सोशल इंसान वाली काम जो करना है, जो मुझे देश के लिए करनी है चीज़ें, जो मुझे टॉपिक्स के बारे में अवेयर करना है, लोगों को एजुकेट करना है, इसलिए मैं मिस इंडिया में आई थी। सुपर, क्योंकि आपने थिएटर किया है तो फिल्मों में तो हम आपको डेफिनेटली फिर देखेंगे, क्योंकि थिएटर भी आपने किया है। सर आप बोल रहे हैं मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर आए एंड हमारे जैसे आपने मिस क्राउन दिया, वैसे ही आप अच्छी फिल्में भी दी, तो मुझे ऐसा अच्छा लगेगा, इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू था। जी बिल्कुल। सो अब क्या कुछ देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट हम आपको? आप मुझे एक अच्छा स्पोक्स पर्सन बनते हुए देखेंगे, आप मुझे लीडरशिप रोल में देखेंगे, आप मुझे एज एक बिजनेस वूमन देखने वाले हैं फॉर श्योर। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, इसी क्रिएटिव फील्ड में रहना है, मुझे कैमरा के सामने हमेशा से रहने का शौक करा है मैंने पहले, वैसे नहीं मैं आने से पहले ही बहुत मॉडलिंग में काम भी करा है, तो ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए है। और आप मुझे देखेंगे बड़े फिर्दे पे भी कभी ना कभी, वेब में देखेंगे, इंटरनेट में देखेंगे, बट उससे ज़्यादा मुझे, मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी है तो मैं अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करना चाहूँगी, एंड आई वुड वॉन्ट टू बी अ good ambitious young woman who will be chasing her dream, who will become a good artist as well as a good entrepreneur. ek aakhri sawal, kyunki leadership ki aapne, haan ji, to kya main aapse pooch sakta hu ki aapka favorite politician kaun hai? sir politicians nahi, sir main politics wagera mein aise koi favorite nahi dekhti, matlab aise koi bolne wali baat nahi, koi favorite wagera kuch nahi hai, main sab logo ka dekhti rehti hu ki kaun kya kaam kar raha hai, to kuch policies pasand aati hai kahin pe क्या चल रहा है ये वो, उन चीज़ों में अपडेट रहती हूँ, जो मुझे काम पसंद आता है एंड बी लाइक मुझे यहाँ एसोसिएट करना है अपने आप को जा करके, रादर देन हैविंग अ फेवरेट पॉलिटिशियन, आई हैव सम गुड लिस्ट ऑफ वर्क्स
कि ये सब चीज़ें में हम काम कर सकते हैं। ऑडियंस को फैंस को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोग मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मुझे बात करते हुए देख रहे हैं, मतलब आप लोगों के प्यार की वजह से ही हूँ अनदेखा कि स्टेज मंच पे बैठी हूँ और आज इंटरव्यू दे रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा अपने मन की सुनिए, आपका मन जो भी कहता है, आपका दिल जो भी कहता है, वो हमेशा सच कहता है। दुनिया की आवाज़ को बंद कर दो और बस उस राह पे निकल चलो, तो आपको जो पाना है आप वो पालोगे अपनी ज़िंदगी में। सुपर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।